सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्मोकी राइडर्स। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ हिंदी में ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि बहुत सी जगह में प्रॉब्लम होती है। बाहर हम जब भी जाते हैं तो सब कहते हैं कि भाई हमें बंगाली समझ में नहीं आता, क्योंकि हम बंगाली जो है हिंदी समझते हैं, लेकिन जो हिंदी समझते हैं ज्यादातर बंगाली नहीं समझते। इसीलिए मैं हिंदी में कन्वर्ट हो रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हमारी लाइफ की अब तक की सबसे लॉन्ग ट्रिप की प्लानिंग, जो कि है टोटल साउथ इंडिया। एक्चुअली हम, आप लोग जानते ही है, हम बाइक पागल है, तो बाइक पे ये टूर हमारा फिक्स हुआ था। एक तो हमारा केटीएम 390 एडवेंचर है और शांतिपुर शुभो का बीएमडब्ल्यू 310 है। तो उसका बाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। एक्चुअली उसका सीडीआई से इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो रहा बैटरी पे, तो कभी कभी स्टार्ट होना बंद हो रहा है बाइक। तो ऐसे रिस्क लेकर हम वो बाइक नहीं ले जा सकते और हम किसी भी गैरेज में बीएमडब्ल्यू का बाइक नहीं देख सकते, क्योंकि अगर कोई भी मैकेनिक सुनेगा क्या बाइक है बीएमडब्ल्यू, तो वो छुएगा भी नहीं। तो ऐसे रिस्क लेकर हम वो बाइक नहीं ले जा सकते। सो फाइनली हम जा रहे हैं फोर व्हीलर पे। हमारा फोर व्हीलर पे सबसे बड़ा लॉन्ग ट्रिप होने वाला है। तो टोटल जो हमारा किलोमीटर है वो होने वाला है 8,666 किलोमीटर। हमारा टोटल डेज होगा 22 डेज अप्रॉक्स। तो हमारा ट्रिप का जो प्लानिंग है, ये मैंने एक अपना वाला इंडिया बना लिया। इसमें यहाँ कोलकाता से, मतलब कृष्णनगर से हमारा राइडिंग शुरू हो रहा है और कोलकाता से लेकर हम जाएंगे वाइजैक, चेन्नई। अब जगह में हम आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे यहाँ से वाइजैक। तो वाइजैक में हम एक दिन रुकेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे चेन्नई। चेन्नई पे बहुत सारे स्पॉट है देखने को, लेकिन हम कुछ कुछ जाएंगे और जो भी अच्छा लगेगा वही हम आप लोगों को दिखाएंगे, और जो अच्छा नहीं लगेगा वो दिखेंगे आपको डायरेक्टली बता देंगे, ताकि आप लोग खुद की तरह प्लान कर सको कि यही जगह हमें जाना है और ये जगह हमें नहीं जाना है। तो चेन्नई पे हम जाएंगे मरीना बीच, कोली हिल्स, माता लक्ष्मी मंदिर, एमजीएम डीजी वाटर पार्क, स्नेक पार्क और वीजीपी एक्वेरियम टनल। तो यही सब हम चेन्नई पे जाएंगे। चेन्नई से हम जाएंगे रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में हम तो सबसे जो फेमस है पंबन ब्रिज वो देखेंगे, और रामनाथा स्वामी टेम्पल देखेंगे, धनुषकोटी डिस्ट्रिक्ट टाउन जिसको घोस्ट सिटी कहते हैं वो देखेंगे, और देखेंगे पंबन आइसलैंड सी वर्ल्ड एक्वेरियम, ये सब देखेंगे रामेश्वरम में। और रामेश्वरम से हम अगले दिन निकलते हुए जाएंगे धनुषकोटी। धनुषकोटी होकर हम जाएंगे कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी का साइट सीन, तो फर्स्ट देखेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो वहां का फेमस है, सेकंड देखेंगे तिरुवल्लुवर स्टैचू, और थर्ड मथुर एक्वाडक्ट। एक्चुअली बहुत सारे वर्ड से मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, मतलब फोर्थ नंबर है कुमारी अमन टेम्पल, और फिफ्थ है कोटालम फॉल्स। तो ऐसे और भी है, हम वीडियो पे डिटेल दिखाएंगे आपको। और कन्याकुमारी से हम चले जाएंगे केरला। केरला में फर्स्ट जाएंगे हम त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में देखेंगे हम फर्स्ट कोवलम बीच, दो त्रिवेंद्रम बीच, तीन श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, चार पुवर आइसलैंड, पांच पुवर बैकवाटर, और भी बहुत है वो हम डिटेल बाद में बताएंगे। त्रिवेंद्रम से हम जाएंगे आलेपी। आलेपी में हम जो वाटर बोट है, मतलब बैकवाटर बोट जो है, उसमें हम वन नाइट स्टे करेंगे। बैकवाटर में हम मतलब जो बोट सफारी होता है वो करेंगे। तो आलेपी से हम उसके बाद जाएंगे कोची। कोची में भी हम बहुत सारे साइट सीन्स है। साइट सीन के अंदर पड़ता है फोर्ट कोची बीच, आतिरापल्ली वाटरफॉल, मतलब बहुत डिफिकल्ट नाम है यहाँ की सच्ची। तो कोची से हम जाएंगे मुन्नार। मुन्नार में हम देखेंगे फ्लावर गार्डन, सेकंड टाटा टी म्यूजियम, थर्ड इको पॉइंट मुन्नार इको पॉइंट, थर्ड देखेंगे मुन्नार इको पॉइंट, फोर्थ देखेंगे कुंदला लेक, और मुन्नार के बाद हम जाएंगे कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर जाते वक्त हम जाएंगे आदियोगी शिव टेम्पल, उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वहां से अगर ड्रोन उड़ेगा तो कैसा रहेगा। तो आदियोगी से हम जाएंगे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से हम जाएंगे ऊटी। ऊटी पे हम नाइट स्टे करेंगे, और ऊटी के बाद हम जाएंगे बेंगलोर। बेंगलोर में हम जाएंगे एक एडवेंचर पार्क, वंडरला एडवेंचर पार्क, और वहां पर भी एक एक्वेरियम टनल है, तो वो भी जाने की कोशिश करेंगे। तो बेंगलोर हो गया। बेंगलोर के बाद हम जाएंगे तिरुपति। तो तिरुपति में भी हम वन नाइट स्टे करेंगे, मंदिर देखेंगे, और तिरुपति से चले जाएंगे चेन्नई, फिर चेन्नई से वाइजैक, वाइजैक से कृष्णनगर।
तो यही है हमारा टूर प्लान। मैं एग्जैक्ट डेट अपडेट बाय डेट आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वहां पर साइट सीइंग करने में कितना टाइम लगेगा ये मैं भी नहीं जानती, वहां पर जाकर मुझे पता लगाना पड़ेगा। जो लोग अभी नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा साउथ इंडिया का ब्लॉग आने वाला है और अच्छे अच्छे जो वीडियो है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके अलावा भी आप अगर कोई भी सजेशन मुझको देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज का वीडियो मैं यहाँ ही खत्म करती हूँ, तो नेक्स्ट साउथ इंडिया की हर एक वीडियो में मिलते हैं, तो बाय बाय।